और ये वाली अब अलग अलग पापड़ियां बन रही है। ये पापड़ियों का क्या है कि आप इनको ऐसा नहीं है कि जगह दे के फ्राई करना है, कुछ करना है, डालते जाओ अपने आप होते रहेंगे, अपने आप हो जाएंगे, ये चिपकेंगे भी नहीं। नारियल बर्फी देखना चाहोगे या येलो वाले राइस, येलो पुलाव जिसको बोलते हैं, जो टॉप लाइक कमेंट हो जाएगा, हम लोग वो रेसिपी नेक्स्ट वीक ले आएंगे आपके लिए। हाय गाइस, सनवर दिस साइड फ्रॉम कुकिंग बाजी विद मम्मा। हेलो एवरीवन, आज क्या स्पेशल बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं भल्ला पापड़ी चाट। पार्ट वन में आपको दिखाया था दही भल्ले की रेसिपी, काफी सारी डिमांड आई थी पापड़ी बनाने की, तो आज दो चीजें दिखाएंगे, एक नॉर्मल पापड़ी और भल्ला पापड़ी चाट। तो दिल से बनाओ, सबको खिलाओ, इसलिए ज्यादा बनाओ। सबसे पहले हम पापड़ी का स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक कटोरी मैदा लिया। अब इसमें हम एक ये सूजी डालेंगे, ये दो चम्मच डाल रहे हैं, दो टेबल स्पून। अच्छा, मेरी सूजी थोड़ी मोटी थी, इसको मैंने पीस दिया है, तो वैसे तो कोई फर्क नहीं, आप वैसे भी ले सकते हो, लेकिन अगर मोटी, बिल्कुल मोटी वाली सूजी होगी ना, तो उसमें आपके जो ग्रेन्यूल्स होंगे पापड़ी में, वो थोड़े प्रोमिनेंट दिखेंगे। और इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट, पिंच ऑफ, और ये तो अजवाइन लेनी है, ये सबको पता है कि अजवाइन हम हमेशा इस तरह से करते हैं, इसका टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है, एनहेंस हो जाता है इसका टेस्ट। हम इसमें मोयन लगाना है, तो ये हमारे एक कटोरी में हम दो चम्मच लेंगे, ये मैंने देसी घी लिया है, हम इसमें रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है इन सब चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब आप पूरा कर लोगे ना, तो जैसे ब्रेड क्रम्स दिखते हैं ना, हाँ, वैसे दिखेगा ये, मतलब पानी डालने से पहले ये आपने करना है। तो ये इससे खस्ता बनाएगा आपका, इससे खस्ता बनाएगा। अब इसको हमें ऐसे करके देखना है, अगर तो ये बंद रहा है तो इट मीन्स हमारा ये, इसमें हम पानी डाल सकते हैं, इस तरह से प्रॉपर बंद रहा है। अब इसको करके देखोगे प्रॉपर बंद रहा है, तो मतलब हमारा मोइन ठीक है, अभी हमें देसी घी डालने की और जरूरत नहीं है। जब हमने पानी ऐड करना है तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करना है, और इसको ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आपस में मिक्स करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करो। इसका टाइट आटा लगाना है ना, तो ज़्यादा इसका टाइट होगा ना, इसका हार्ड होगा ना सॉफ्ट होगा, मीडियम होगा, रादर मीडियम, इसको मीडियम हार्ड बोलेंगे। पर इसको गूंदना नहीं है ना ज़्यादा, इसको ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं, पर हाँ डेफिनेटली इसका एक मिक्स कर लेना अच्छे से। ये देखो, ये बीच में से ऐसे ही रहेगा अभी। अब इसको हमें 10 मिनट्स रेस्ट पर रखना है, और हमेशा ढक के रखते हैं, या तो आप गीले कपड़े से रख लो, इसको रेस्ट पे रख देंगे 10 मिनट के लिए, इसको रेस्ट पे रख रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, दो चीज़ें हमें और करनी है, हमें दही रेडी करना है, हमें इसमें, क्योंकि ये चाट है बड़ी टेस्टी सी स्वादिष्ट, इसमें हम सफ़ेद चने भी डालेंगे, तो सफ़ेद चनों को हमने बॉयल करना है। ये मैंने इसे 5 से 6 घंटे भिगो के रखे हैं। अब ये पहले, सबसे पहले कुकर में डालेंगे। अब आलू या तो हम अलग से बॉईल करें, तो बेस्ट ये है कि इसी में डाल दो, मैंने आलू को अच्छी तरह से धो दिया है, ये हम इसी में डाल देते हैं, इसी में रख देती हूँ और पानी डाल देते हैं। तो इसकी सीटी अलग अलग नहीं होंगी? नहीं नहीं, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही। अब इसमें नमक डाल दो, 1/2 टीस्पून डाला है, जितना आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है, और इसे बंद कर दो, और इसको हम 5 से 6 सीटियां देंगे। जब तक हमारे चने हो रहे हैं, अब हमने ये दही लिया है, 1 किलो दही लिया है, इसको अच्छे से हम विस्क कर देंगे। और पापड़ी चाट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट दही बनाएंगे, जो पूरी डिश को साथ में लेकर चलेगा। कितनी सीटियां बजनी है ये? 5। आप ना थोड़ा टेक्सचर ऐसा रखना, ज्यादा रनी भी ना हो, हाँ, और ज्यादा गाढ़ा भी ना हो। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले 1/2 टीस्पून पिसी चीनी, लाल मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैं 1/4 डाल रही हूँ, ये गार्निश के टाइम पे भी डालेगी ना, हाँ। और ये है हमारा काला नमक, इसमें काला नमक ही जाता है, काला नमक, दूसरा वाला नमक नहीं डाल रहे, इसलिए ये भी 1/2 टीस्पून डालेगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। जीरा मन से 1 टीस्पून, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून। अब इसको आपस में मिक्स कर देना। अच्छा, एक बात होती है, कई बार हमारा दही ना खट्टा होता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोस्टल एरियाज पे, हाँ, गर्मियों में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे,
सपोज जैसे हमने एक किलो लिया है तो इसमें आधा कप आराम से दूध ऐड हो जाएगा जो नॉर्मल टेम्परेचर में, गरम वाला नहीं नॉर्मल टेम्परेचर में। चलो ये भी रेडी हो गया, अब इसको ठंडा करने रख देंगे। ये भी हमारे चिल्ड खाएंगे, एकदम चिल्ड खाएंगे। ये भल्ले हमने पहले ही बना के रखे हुए थे, इसको हमने ल्यूकवार्म वाटर में भिगो के रखना है 10 to 15 minutes। ये भल्ला बनाएंगे कैसे? इसकी हमने ऑलरेडी रेसिपी डाली हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या सर्च करिए कुकिंग बाजी दही भल्ला, आपको मिल जाएगा दही भल्ले की रेसिपी। तो इसको ये, क्योंकि मैंने उसमें पहले ही बताया था कि बना के खूब सारे रख लो, होली स्पेशल। जब हमने यूज करना है इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आओ और ल्यूकवार्म वाटर में डालो और 10 से 15 मिनट भिगो के रखो। चलो ठीक है। अच्छा दही भल्ले तो है, हम होली में तो पापड़ी चाट खाते हैं, क्या उसके साथ वो रहता है? चावल बनाते हैं? हाँ हम येलो चावल बनाते हैं क्योंकि होली वाले दिन वाले, हाँ तो सबके हाथ वगैरह भी ऐसे हुए होते हैं कि रोटी वगैरह खाने में वो लगता है कि हाथ साफ नहीं है या कुछ है। पुलाव बोलते हैं उसको, येलो पुलाव बोलते हैं, जिसमें हम आलू प्याज डाल के बनाते हैं और साथ में हम दही भल्ले खाते हैं। और एक और चीज बनाते हैं, और एक हम हमेशा हमारे घर में बनाते हैं नारियल बर्फी। अच्छा, तो वो बहुत टेस्टी लगती है, डिफरेंट कलर्स में भी बनाओ ये। अब ये है कि हम अपनी ये डीजी फैमिली से पूछते हैं कि क्योंकि हम होली स्पेशल एपिसोड्स बना रहे हैं, तो नेक्स्ट आप लोग नारियल बर्फी देखना चाहोगे या येलो वाले राइस, येलो पुलाव जिसको बोलते हैं आलू प्याज वाले, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। कमेंट्स तो में बताओ, सब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जो टॉप लाइट कमेंट हो जाएगा हम लोग वो रेसिपी नेक्स्ट वीक ले आएंगे आपके लिए। यस, नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा एक बार और कर लो, सॉफ्ट हो गया ना वो घी जो है एकदम अब्सॉर्ब हो चुका है, अब्सॉर्ब हो चुका क्योंकि सूजी भी डाली थी वो भी उसने भी अब्सॉर्ब कर लिया है, तो सब इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और मीनवाइल में तेल भी चढ़ा के रखा हुआ है, तेल चढ़ा के रखा हुआ है और एक प्लेट पे अब्सॉर्बेंट पेपर भी रखा हुआ है। अब इसके दो वेज हैं, या तो हम ऐसे बॉल बना ले और इसको बेल के फिर इसको कुकी कटर से या कोई भी शार्प चीज से, किसी ढक्कन से, मेटल का, प्रेफरेबली मेटल का, उसी से कटेगा, या फिर हम ऐसे करें इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना ले, बिल्कुल छोटी छोटी। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है इस तरह से, पर वो फर्स्ट वाला प्रोसेस मैं बता रही हूँ ना, इसको भी अगर हम करना है तो ऐसे पहले ही छोटी छोटी बॉल्स बना के रख सकते हैं और इसकी फिर हम छोटी छोटी पापड़ियाँ बना ले ऐसे छोटी छोटी। सबके घरों में स्टील के ग्लासेस तो होते ही हैं, स्टील के ग्लास, स्टील की कटोरी, किसी का ढक्कन, बस शार्प एज होना चाहिए, शार्प एज होना। आप क्या यूज करोगे आज? जैसे ये है इस तरह से, कोई कुछ भी यूज कर लो, मैं कोई छोटा सा ग्लास देखती हूँ। अगर आपको लग रहा है आपको हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा रोलिंग बोर्ड पे घी लगा लो या ऑयल लगा लो। इसको आपको वैसे नहीं देखना कि ये गोल हो रहा है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि फ्री हैंड से बस इसको हमने बेसिकली इसकी हमने पापड़ियाँ बनानी है तो इसको काटना ही है हमें, पर ये थोड़ा सा पतला मिलेगा, मोटा नहीं करना और लंबा, मतलब जितना बड़ा हो सके, जितना इसमें थोड़ा लगेगा टाइम आपको करने में, और इसमें हमने मोइन डाला हुआ है अच्छे से, तो ये स्ट्रेच होते रहेगा, तो ये आराम से होता रहेगा। मैंने इसमें कोई घी लगाया नहीं है तो अपने आप ही हो रहा है। पतला जितना करोगे उतनी खस्ता बनेगी, बाकी डिपेंड करता है आप कितना खाओ, लेकिन पतला तो डेफिनेटली होगा, मोटा नहीं होगा। अब ये मैंने ये ग्लास लिया है, मेरे पास एक बहुत पुराना ग्लास है, मेरा बड़ा फेवरेट सा है, ऐसे छोटी सी कटोरी, कोई भी किसी का भी ढक्कन ले लो लेकिन मेटल का लो। अब एक ग्लास लिया, ग्लास लिया और इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं आएगा, इसको ऐसे करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो वो कट जाएगा, हमें बेसिकली इसको कट करना है इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे थोड़ा सा घुमाना है ताकि वो कट जाए अच्छी तरह। अगर ये थोड़ा सा कम भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको ले सकते हो। अब इसको या तो आपने शुरू में ही आप फॉक से इसको कर दो, क्योंकि हम ये पूड़ी नहीं बना रहे हैं, हम ये पापड़ी बना रहे हैं, हमें इसको फूलने नहीं देना है, तो अब इसको अच्छे से इसको प्रिक करना है। कई बार हम क्या करते हैं, पूरा जब बेल लेते हैं उसको उसके बाद हम उसमें करते हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कहीं पे रह जाए। अब हमें पता है कि हमारे इस पास पांच है, क्योंकि ये मैंने बड़े साइज के लिया है थोड़ा, तो इतने मेरे रोलिंग बोर्ड में इतना ही आ रहा है। अब ये जो बाकी सारा है इसको हटा दो और इजीली आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी पांच पापड़ियां बन चुकी हैं। इसको हमने वापस से इसी में डाल देना है और दोबारा से बनाना है। अच्छा, जब तक ये करते हैं तो इसको आप ढक के रख लो ताकि ये सूखे ना, इसको ढक के रख लो या कपड़े से कर लो। ये हमने एक टेस्टिंग के लिए डाली है, ये ऊपर आ गई है तो इसका मतलब हमारा ऑयल ठीक है। इसको हमने लो पे ही रखना है, अभी थोड़ा सा मीडियम और लो के बीच में रख लो,
हाई पे बिल्कुल नहीं करना, धीरे धीरे ये बनेगी, थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी क्योंकि तभी ये करारी, तभी ये खस्ता बनेगी, अदरवाइज ये फ्लेकी टाइप सी नहीं बनेगी। ये तो आपने सारी बना लिया, ये बना के रख ली है, पर इसकी साइज और इसके ये इसके साइज का फर्क ये क्या है? क्योंकि ये तो मैंने सारे ग्लास से बनाए हैं और ये जो फिर लास्ट में बच जाता है ना, वो आटा निकल जाता है, हाँ जी। तो उसकी फिर मैंने ऐसे छोटे छोटे से बॉल्स बना के और इसको अपने आप ऐसे बड़ा सा कर लिया, क्योंकि फिर उसका कैसे बनेंगे जो लेफ्ट ओवर जो मैदे का आटा होता है ना, मैदा उसका, मतलब उसका, उसका। ये नहीं, ये स्टेप नहीं बिल्कुल भी भूलना। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि 5-6 ही डालनी है, डाल दो आप, कोई बात नहीं, गैस हमारी लो पे है, बस इसको प्रॉपर टाइम दो कुक होने का। बस इतना, बाकी बाद में डाल देंगे। इसको तो टाइम लगेगा, ये तो चलते रहेगा। आलू का स्टेटस चेक कर लें अपने। चलो आलू देखते हैं कैसे। वैसे जरूरी नहीं है आपको आलू के साथ बनाना, पर आलू के साथ ना एक टेक्सचर आएगा और एकदम वो जैसे मार्केट वाला ना टेस्ट आएगा। ये देखो आराम से हो गया ये आलू पूरा। और छोले भी हो गए? छोले भी हो गए। ये हमें ज्यादा नहीं करने, तो ये मतलब छोले में तो बाइट आना चाहिए, बस इसमें क्रंच आना चाहिए, गलने नहीं चाहिए ज्यादा। वाह जी, एकदम करारी होगी। अब निकाल लें इनको। चलो अब ये वाला बैच निकलेगा और दूसरे बैच की तैयारी करेंगे अब हम लोग, और इन द मीनवाइल अपनी सारी चीजें असेंबल भी कर लेंगे। पापड़ियां हम लोगों ने अपने हिसाब से करारियां कर ली है, आप कम ज्यादा एज पर योर कन्वीनियंस कर सकते हैं। कन्वीनियंस नहीं, क्या वर्ड होता है वो, कंफर्ट। और ये बहुत सारे बना के रख लो, जैसे भल्ले बहुत सारे बना के रखते हैं, इसको ठंडे करके आराम से किसी कंटेनर में डाल के रखो तो ये काफी देर चलती है। वैसे एक बात बताऊं, ये तो वैसे भी चाय के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। अब ये ठंडा होगी ना तो इसमें खस्ता बनाएगा, वो क्रंच आएगा। हाँ जी पिकू भाजी, आज फिर से आ गए सजाने आपकी पापड़ी चाट को। असेंबलिंग टाइम। मैंने मम्मा पता क्या सोचा है, इसमें पहले मैं नीचे छोले डाल दूंगा, ऊपर पापड़ी ना ऐसे डिस्क टाइप सी लगेगी ऊपर। अच्छा साथ में दोस्तों, अब ये ना थोड़ा ठहराव का काम है, ये चलते रहता है और इसको डिस्टर्ब नहीं करना। सबसे पहले हमने सफेद चने डाले हैं उबले हुए, फिर आलू डाले हैं। अब प्रेजेंटेशन बंदा कैसे मर्जी करे, आलू और चने को। ये क्या डाला है? नमक। इसके साथ हम लोग मामा कैसे रखे, पापड़ी रखे फिर भल्ला रखे, ऐसे करें? हाँ ऐसे कर सकते हैं, दो पापड़ियाँ एक भल्ला, ऐसे कर लें। ऐसे पापड़ियाँ और लगाएं, भल्ला भी कोने कोने में आएगा, क्योंकि ये पापड़ी चाट नहीं है, ये है भल्ला पापड़ी चाट। क्रिस्पी बनी है, खस्ता बनी है, उसकी शक्ल ही बता रही है खस्ता बनी। अच्छा अब ये जो हमने मोइन डाला है ना, उससे पता क्या होता है मम्मा? ये देखो आपको तो पता ही है, मतलब मैं अपनी डिजी फैमिली को दिखा रहा हूँ, ये देखो ये, हाँ। ये मोइन का कमाल होता है actually। इससे पता चला कि बढ़िया पापड़ियां बनी है। मैंने मम्मा पता नहीं ये वेजी बाजी का करते हुए देखता है या मेरी मसल मेमोरी में है कि ना जो चटनियां जो है ना, बेस लेयर पे आप वैसे डालो टेस्ट के लिए और टॉप लेयर पे गार्निशिंग के लिए डालो। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा दोनों चटनियों का। अब हम लोग नमक से सीजन कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपने डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे आता है आपका बढ़िया सा कलर। तो है ये जीरा चाट में तो डलना ही चाहिए, ठीक है। काला नमक जो है उससे सीजन करेंगे। वो देखने में दही जो है ना, जो खाने में जो गले के अंदर तक उतरता है ना दही, ओहो। देखो हम इसमें, हम तो इसमें यही चीजें डालते हैं, बाकी फाइनल टच में कुछ भी डाल सकते हैं, अनार के दाने भी डाल सकते हो। ये लॉन्ग में पापड़ी चाट की वो करी है प्रेजेंटेशन, आप चाहे तो यूजुअल तरीके से भी कर सकते हैं उसकी जो गोल प्रेजेंटेशन। हाँ, जैसे जैसे मर्जी करो, पर मुझे तो सेब ज्यादा अच्छा लगता है। और डालूं? हाँ, थोड़ा दिखना भी चाहिए, वो हल्का जो पेल येलो कलर आता है ना। हाँ वाओ, ये खस्ता बनी है, बहुत खस्ता बनी है। एक्चुअली जब आप सब बनाओगे खाओगे इसे तो आप एक्सपीरियंस करोगे कितनी खस्ता बनी है, और भल्ला भी बहुत टेस्टी लग रहा है। तो दिल से बनाओ, सबको खिलाओ, इसलिए ज्यादा बनाओ और खूब इंजॉय करो। हैप्पी होली आप सब लोगों को। होली नहीं, पूरे साल बनाओ पापड़ी भल्ला पापड़ी चाट।